चलो फ्रेंड्स, द्वारकाधीश, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप के सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, अभी हमारी बफेलोस को कास्ट डालने का टाइम हो गया है। बफेलोस को कास्ट डाल देते हैं, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी सबको कास्ट डाल दिया है। अभी इसने तो सब फैला दिया है यहाँ पे कास्ट। अभी तो इसको कास्ट डाला है, तभी ये इसने सब फैला दिया है कास्ट। यहाँ पे ये उड़ाई रहती है कास्ट, सही तरह से खाती नहीं है। देखो इसकी हरकत है, सब खिला दिया है दोनों ने। तो अभी छोटी को भी घास डाल दिया है। और आज तो अभी बारिश तो नहीं आई है, सुबह एक रेड़ा मार के चली गई है, अभी कुछ नहीं है। अंधार तो है ही, आए ना आए इसका कुछ अभी तो नक्की नहीं है। ये आ भी सकती है वापिस, अभी तो कुछ नहीं है। दोपहर 1-1.5 बजे भी आ सकती है, क्योंकि सही टाइम उसका वो है, दोपहर होते ही चालू हो जाती है। अभी तो कुछ नहीं है। हमारी डेली की तरह जो नहीं, हर रोज आराम नहीं होता है। पूरे दिन आराम ही करता रहता है। तो दोस्तों, अभी बज गए 2 फेलोस का पानी पिलाने का टाइम हो गया है। बाहर पहले चारा डाल देते हैं, उसके बाद बफेलो को बाहर लेंगे। पहले पानी पिला देते हैं, उसके बाद बाहर लेंगे। तो चलिए पहले बफेलो को पानी पिला लेते हैं बाहर चारा डाल के, फिर बाहर ही बांधेंगे, क्योंकि अभी बारिश नहीं आ रही है, इसीलिए गोदाम में से बाहर लेने का टाइम हो गया है। तो ले लेते हैं, अभी इनको नहला देते हैं। ये सही तरह से खड़ी भी नहीं होगी, ये इसको नहलाते हैं, तब पागम पागे करती है। ये शांत रहे तो रहे, ऐसा है इनका तो। हमने कुंडे में मछलियाँ भी रखी है, इसकी वजह से जीवात ना हो। इनको नहलाते हैं, वो तो बहुत प्यास लगी थी, इसलिए उसने तो ज्यादा पिया है, इसने कम पिया है। तो अभी सबको पानी पिला के नहला के, आज तो सबको नहला दिया है, क्योंकि मक्खियाँ वो मच्छर कम काटे इसकी वजह से। तो अभी घास डाल दिया है सबको, उसको ले गए पानी पिलाने। इन दोनों को पिला लिया, नहला दिया है और घास भी डाल दिया है। तो बफेलो का काम हो गया कंप्लीट। और अभी मूंगफली में दूसरे वाला डोज लगाने का है, आज फल फूल का डोज लगाने का है। तो 3 बजे हमको जाना है, तो हम आपको वो भी बताएंगे, तो लोग में कंटिन्यू रहेगा। तो अभी मूंगफली में दवा का डोज लगाने के लिए आ गए हैं।
छट के फिर उस वाले खेत में जाएंगे। तो अभी दूसरे वाले खेत में आ गए हैं। कौन कौन सी दवा है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इनका भी अलग द्रावण करना पड़ेगा, उसके साथ नहीं कर सकते। 25 पंप का द्रावण करना पड़ेगा। 200 ग्राम आती है ये माइक्रो न्यूटन है। ये किस लिए है? माइक्रो न्यूटन मिलता है सर। ये स्टिकर है स्पीडवे का, वो बारिश आती है तो दवा चिपक जाती है। हमारे दवा जो लगाई है उसका नुकसान कोई नहीं होता, फिर वापस से नहीं लगानी पड़ती है। स्टिकर साथ में होता है तो धुआं नहीं होता दवा का, इसलिए इसको भी हम डोज में डालते हैं। द्रावण कर रहे हैं। तो अभी दवा छटने की स्टार्ट कर दी है। दूसरा वाला डोज है, फल फूल का है। साढ़े तीन बज गए है, 7-7.5 बजे तक दोनों खेतों में छट जाएंगी। अभी फूल वराब दे दी है, कल की तो फिर वापस आ गई है। तो दोस्तों हमारे दोनों खेतों में दवा का डोज सही तरह से कंप्लीट लग गया है। 7-7.5 बजे तक लग गया था डोज दोनों खेतों में। तो अभी जो कल बारिश ना आए तो साथी भी चलाने का बाकी है तो चलाएंगे। मुझे लगता है कल बारिश तो आ ही जाएगी। तो अभी फिर देखते हैं कल। तो आज का वीडियो हम करते हैं फिनिश। वीडियो कैसी लगी आप लोग कॉमेंट कीजिए, हमारी वीडियो कैसे आती है, हम लोग गुजराती में व्लॉग बनाए हैं हिंदी में, वो भी कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को फुल शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करें।